दोस्तों पाकिस्तान टीम बुरा तरीके से हारने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर पाकिस्तान की चीफ सिलेक्टर मौसम अकबर ने यहाँ पर बना दिया है मोहम्मद रिजवान को कप्तान, जिसके बाद हो चुका है बवाल और कर दिया है बहुत ही बड़ा बड़ा चेंजिंग। क्या कुछ चेंजिंग और किन खिलाड़ी को मौका दिया है टीम में, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी हमारे इस चैनल पर नया है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए नजर आया है, जिस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा तरीके से इधर के उधर हो चुका है और तमाम फैंस का दिल दुखाया है पाकिस्तान का सभी प्लेयर्स। साथ ही आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड कप से जैसा एलिमिनेटेड हुआ आपको तो पता होगा, एक भी मैच ढंग से नहीं खेला पाकिस्तान टीम का सभी खिलाड़ी, जिस वजह से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चीफ सिलेक्टर मौसम अकबर ने यहाँ पर फखर जमा या मोहम्मद रिजवान इन दोनों के अंदर एक को कप्तान घोषित करने वाला है बहुत ही जल्द, जिस वजह से फैंस के अंदर यहाँ पर वोट रखा है जो मोहम्मद रिजवान क्या फखर जमा इन दोनों के अंदर किन को कप्तान दिया जाए। दोस्तों जहाँ पर फखर जमा के ऊपर ही ज़्यादातर वोट आ रहा है और फखर जमा को कप्तान बनाया भी जाएगा। साथ ही बाबर आजम का छुट्टी कर दिया गया है कप्तान से, साथ ही टीम से भी बाहर निकाल दिया गया है यहाँ पर बाबर आजम को। साथ ही फखर जमा यहाँ पर कप्तान बनते ही यहाँ पर इन खिलाड़ी को मौका दिया गया है। दोस्तों पहली नंबर जिस खिलाड़ी को मौका दिया है वह है आसिफ अली, जो एक बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाज है। दूसरे नंबर में है यहाँ पर शर्जिल खान और तीसरे नंबर में अब्दुल्ला शफीक, चौथे नंबर में मोहम्मद हरीस, जो एक बार फिर से आपको पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएगा। और पाँचवें नंबर पर यहाँ पर सरफराज अहमद, एक धाकर गेंदबाज के रूप पर सरफराज अहमद एक बार फिर से मौका मिला है। छठे नंबर पर साउथ शकील, एक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर खिलाड़ी को, इसको भी मौका मिला है। साथ ही सातवें नंबर में सलमान अली अग्गा को एक बार फिर से मौका दिया गया है पाकिस्तान टीम में। आठवें नंबर में यहाँ पर आमिल जमाल को मौका दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। नौवें नंबर में यहाँ पर जमाल खान को मौका दिया है फखर जमा ने। दोस्तों फखर जमा यहाँ पर कप्तान बनते ही यहाँ पर एक जो नया अपना प्लेइंग 11 को यहाँ पर बना रहा है, तो आप लोगों की क्या राय है, किन किन खिलाड़ी को मौका देना चाहिए और बाबर आजम को छुट्टी करके क्या फखर जमा सही किया है या नहीं, आप अपनी राय जरूर बताएं कमेंट पर। आगे भी क्रिकेट से जुड़ी सभी क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए।